आज अयोध्या में योगी कैबिनेट की बैठक, सीएम योगी ने बैठक से पहले हनुमानगढ़ी के साथ रामलला के दर्शन भी किए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बयान पर नहीं खत्म हो रहा बवाल, विपक्षी गठबंधन के नेता बचाव में उतरे, जबकि नीतीश के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी का प्रदर्शन। मध्य प्रदेश और राजस्थान में तेज हुआ चुनाव प्रचार, राजस्थान से पहले पीएम मोदी की मध्य प्रदेश में 3 रैली, सतना में कांग्रेस पर किया बड़ा हमला। कांग्रेस आई तबाही लाई, जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। सवाल के बदले कैश के मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की एथिक्स कमेटी की सिफारिश की खबर, सूत्रों के मुताबिक लोकसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने किया महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश का दावा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी की आज ईडी के सामने पेशी, शिक्षक भर्ती घोटाले में पूछताछ। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। पटना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन जारी, आरजेडी दफ्तर के बाहर पुलिस से झड़प। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी, 20 नवंबर के आसपास कराई जा सकती है कृत्रिम बारिश, प्रदूषण की वजह से आज से 18 नवंबर तक दिल्ली में स्कूल बंद। सीरिया में ईरान समर्थित संगठन के ठिकानों पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक, 9 लोगों की मौत की खबर। अखाड़ा में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इजराइल और हमास जंग से जुड़ी, ये ब्रेकिंग न्यूज। यहाँ अखाड़ा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल के सैनिकों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ की अब तक 34 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 260 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। ग्राउंड ऑपरेशन इजरायली सेना के लिए महंगा साबित होने वाला है, ये वो भली भांति जानते हैं। वहीं गाजा में